जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए हैं कि शासकीय योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से प्रमुखता के आधार पर करें। किसी भी स्तर पर पत्रावलियों के निस्तारण में विलम्ब नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाएं गरीबों के हित में संचालित होती हैं और उसका लाभ पात्र जनों को समय से उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बैठक में नामित अधिकारी ही उपस्थित हों, प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी पात्र कृषकों को इस योजना से संतृप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करें, सभी पात्र कृषकों को 30 जून तक केसीसी से संतृप्त करें। जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि यह योजना अंतर्गत 100% बीमा हो रहा है तथा प्राप्त दावों का प्रेषक एवं निपटान समय से किया जा रहा है। फसल ऋण बीमा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बीमा के अभाव में यदि किसी पात्र को क्लेम राशि नहीं मिलती है तो नुकसान की क्षतिपूर्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित बैंक एवं शाखा की होगी। डीएम ने मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा कार्ड योजना, शिक्षा ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक महेश प्रसाद गुप्ता सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। दो ब्रांचेज ज्यादा है, अलग अलग कितने ब्रांचेज की टोटल 70 हो रहे हैं। मगर के आस पास देख लेंगे पूरा बेसिकली मगर वाले एरिया हमारे द्वारा जो प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, माननीय सांसद जी प्रमोद कुमार सर से और विधायक अलवर साहब से हमने व्यक्तिगत संपर्क किया और आमंत्रित किया सर, जो भी सर इसमें हमारे लेखकों ने 29 मार्च 2018 जिसकी प्रति सभी जिला अधिकारियों को, जिला स्तरीय अधिकारियों को, बैंकर्स को, RBI, नाबार्ड सभी को प्रेषित की जा चुकी है। अगर इसकी कुछ की जा रही है आपकी ओर से सर। दूसरा योजना हमारा वार्षिक योजना 2017-18 का जो क्वार्टर की मीटिंग होती है और चर्चा हम लोग सर अभी मार्च की कर रहे हैं, 18 में जो वृद्धि हुई है और जो जून की होगी वो नेक्स्ट क्वार्टर में होगी आफ्टर जून, तो वो मार्च 18 के लिए 2017-18 की है चर्चा हो रही है सर। उसने 3% कम दोनों किया है जो वित्तीय वर्ष 17-18 मार्च 18 की समाप्ति पर जो हमारा लक्ष्य था। मार्च 18 आप तो पूरे इंटायर वित्तीय वर्ष को रखना चाहिए जी इंटायर सर। 3,576 करोड़ के 7.68% इसका बैंक वायर भी दूसरे पेज में है सर, पेज नंबर 3 में है। से इस साल का हमारे जो थी 3.1% कम थी। ये जो आपने कंजर्वेटिव शीट तो पेज नंबर 3 में रखे हैं यही है सर, ये सर जो है हाँ ये बैंक धीरे धीरे सर इनका इसलिए लास्ट ईयर इनको टारगेट नहीं मिला है क्या, इनको टारगेट नहीं दिया गया था इसलिए जो इनका जी प्राइवेट बैंक के लिए नहीं। इस साल जो लास्ट जो हमारा 2018-19 का जो टारगेट है सर वो पर इसमें लगाए हुए हैं। इन लोगों को लंच दे दिया, IDBI, कोटक महिंद्रा, इंडस्ट्री इस साल दे दिए सर, सबको दे दिए सर और उसका जो है डिटेल के नंबर 20 में है सभी बैंकों के साथ मिलकर इस नंबर 20 में सर सरकार ने नंबर 21 में जो 25/5 जिसमें 2018 की जितनी भी सरकारी स्कूलों का जन कभी उनको मिला है उसको सरकार कर दिया।